ये समय जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये कंजवानी के हैं, जो कि कंजवानी से ग्रेटर कैलाश की तरफ जाने वाला रास्ता है, मेन हाईवे। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी ने 2 से 3 गाड़ियों को हिट किया है। ये स्कॉर्पियो JK02BW0083 ये पलटी हुई है। इसके अलावा एक ये ऑल्टो गाड़ी है, ये भी इसमें जो इसका भी क्षतिग्रस्त हुई है यहाँ पर। और उसके अलावा ये एक वैगनार है, ये स्विफ्ट डिज़ायर है, और एक ये होंडा अमेज है, और इसके एयर बैग्स भी खुले हुए हैं। ये बिल्कुल ब्रांड फैक्ट्री के बाहर ये एक्सीडेंट हुआ है, और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी ने 3-4 गाड़ियों को हिट किया है। ये देख सकते हैं आप, एयर बैग्स इसके दोनों खुल गए हैं। और ये JK02BW21-21D-2833 ये भी इसकी चपेट में आई है, ये इसको बैक से ये गाड़ी डैमेज हुई है। और एक स्कॉर्पियो अभी भी पूरी तरह से पलटी हुई है, जो बिल्कुल रोड के साइड पर है, और लोग वो धक्का मार के इसे जो है वो सीधा कर रहे हैं। ये जब आप कंजवानी से ग्रेटर कैलाश की ओर जाते हैं, तो वापसी में बिल्कुल ब्रांड फैक्ट्री के बाहर ही एक्सीडेंट हुआ है। एक स्कॉर्पियो पूरी तरह से पलट गई थी। पुलिस के लोग मौके पर हैं और पूरी इस घटना की जो है वो जांच भी कर रहे हैं। ये स्विफ्ट डिज़ायर के पीछे से पूरी तरह से ये डैमेज है, साइड से भी डैमेज है और आगे से भी इसकी ये क्षतिग्रस्त हुई है। ये अमेज है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ से ये पूरी डैमेज हुई है। ये देखिए इसकी एयर बैग्स वगैरह भी खुल गए हैं, आगे से भी ये गाड़ी को जो है वो उससे टकराई है। ये घटना, क्योंकि इसमें अंधेरा है और यहाँ पर आपको रोड के सेंटर में कोई लाइट्स वगैरह भी नहीं दिखेंगी, कोई साइड में भी लाइट्स नहीं दिखेंगी, और 4 गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनके जो है भिड़ंत हुई है, जिसमें कि स्कॉर्पियो ज़्यादा डैमेज हुई है, वो पलटी थी, अभी लोगों ने उसको सीधा किया है। ये स्विफ्ट डिज़ायर भी इसकी चपेट में आई है, होंडा अमेज बिल्कुल नई गाड़ी है ये जो इसकी चपेट में आई है। ये देखिए इसका फ्रंट पोर्शन है गाड़ी का, ये अमेज है, दोनों एयर बैग्स वगैरह भी खुल गए हैं। लोगों
लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या क्या, थोड़ा बताएंगे कितने बजे की ये घटना है। ये पूरी तरह से इसके एयर बैग्स खुल गए हैं, होंडा अमेज के एक ऑल्टो भी। कितने बजे हुआ था ये कुछ पता है क्या? अभी हुआ थोड़ी। तो क्या थोड़ा बताओगे क्या कौन सी गाड़ी ने हिट किया है? थोड़ा इधर देख के बताना आप। हाँ थोड़ा पता नहीं आपको पता लगा क्या हुआ, किसने हिट किया इसको? मतलब स्कॉर्पियो ने हिट किया दूसरी इन सभी गाड़ियों को। हाँ। ये साइड पे खड़ी थी, ये गाड़ी किसकी है? ये आपको मैं बता दूं कंजवानी से के पास ये हुआ है, ब्रांड फैक्ट्री के बाहर। और जब ग्रेटर क्लास से टू वर्ड आप कंजवानी की तरफ आते हैं, एक तरफ ये फोर्थ लेन है। भैया क्या हुआ थोड़ा बताओ क्या? भैया मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। हाँ आप बता दो क्या हुआ। मैं बताता हूँ आपको, मैंने अपने पूरी आंखों से देखा है यहाँ पे। हाँ। यहाँ से गाड़ी आ रही थी अमीर। अच्छा अमीर गाड़ी ने इनकी कोई स्कॉर्पियो वालों की कोई गलती नहीं है क्या? अमेज आ रही अमेज आ रही थी, उसने बस ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। अच्छा वही साइड से गाड़ी जैसे ही आई देख सकते हो अभी आप, मतलब इतनी तेज आ रही थी, मतलब हाई स्पीड की। अच्छा मतलब मान सकते हो कि गाड़ी इतनी स्पीड में थी, हमने अपनी आंखों से देखा स्किट हुई पहले गाड़ी पूरी। अच्छा पूरी गाड़ी स्किट होके सीधे मतलब इस गाड़ी की स्कॉर्पियो वाले बिल्कुल आगे आ गया वो। अच्छा ठीक है बिल्कुल आगे आके जब हिट हुई गाड़ी तो हमने पूरा अपनी आंखों से देखा है ये पूरा, मतलब यहाँ पे पूरा। बाकी गाड़ी एक ऑल्टो भी है वो भी इसकी चपेट में आई थी। हाँ भैया ये ऑल्टो यहाँ पे लगी थी और ये पार्किंग एरिया नहीं है। अच्छा पर ये अंदर पार्किंग है, इनकी अंदर पार्किंग कोई नहीं लगाता है, बाहर रोड पे खड़ी होती है गाड़ी। बाहर इनका ना कोई चलान काटता ना कुछ, वहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा विशाल मेगा मार्ट के बाहर पुलिस वाले ऐसे करके देख रहे होते हैं और कोई नहीं आता, गाड़ियाँ लगती है जाम लगता है, दो मिनट के बाद निकलवा के। अब यहाँ इंजर्ड कितने लोग हुए, कोई चोटे वोटे तो नहीं? भैया वो अंदर शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा ऑल्टो गाड़ी और ये जो लगी है क्या बोलते हैं एक एक स्विफ्ट भी है। इंजर्ड कोई नहीं हुआ भगवान की देन से भैया सब कुछ। और स्कॉर्पियो में भी कोई नहीं था? स्कॉर्पियो में थे जो ड्राइव कर रहे थे इधर ही। और जो अमेज में थे वो कितने लोग थे? वो उसमें दो लड़के आगे बैठे हुए थे। अच्छा मतलब गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज थी, स्पीड बड़ी तेज थी। थैंक यू। तो ये थोड़ा जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि पूरी हुआ क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है अभी भी आप देख रहे हैं, आगे भी कई सारी जो है वो खड़ी हैं, और शाम के समय यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, स्टोर्स भी हैं, और ये गाड़ी यहाँ पर जो है वो खड़ी हो जाती है। हालाँकि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, इसके लिए ये एक फोर्थ सर्विस लेन ये बनी है। सर्विस लेन के भी एक तरफ जाकर जो है गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो मेन रोड पे गाड़ी जो है वो पार्क करते हैं, जिस कारण एक तेज रफ्तार से ये गाड़ी बताया जा रहा है जो होंडा अमेज है ये आ रही थी, इसने स्कॉर्पियो को हिट किया। स्कॉर्पियो के साथ एक ऑल्टो है जो यहाँ ही खड़ी थी, वो भी इसकी जद में आ गई। होंडा ये स्विफ्ट डिज़ायर है ये भी इसकी चपेट में आ गई। और हालांकि ये बताया जा रहा है कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि जिनकी गाड़ियां थी वो लोग अंदर शॉपिंग कर रहे थे और उनको शायद उनको ये अंदेशा नहीं था कि गाड़ी जो है गाड़ियां बाहर जो पार्क खड़ी की हुई हैं जो मेन जो सड़क पे, ये एक बड़े एक्सीडेंट का जो है वो कारण बन सकती हैं, और उसी कारण ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है। और यहाँ पर अभी फिलहाल लोगों ने धक्का देकर स्कॉर्पियो को सीधा तो कर दिया और अब क्रेन के ज़रिए उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस कर्मी भी हैं पूरी देखने के लिए, और एक ये ऑल्टो है ये भी इसकी चपेट में आ गई थी। ये भी गाड़ी है जो इसकी चपेट में आ गई थी, ये मारुति की ऑल्टो है, और इसके अलावा ये स्कॉर्पियो ये पलट गई थी बिल्कुल।
और इसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर बीच में बैठा हुआ था। अभी फिलहाल इसको सीधा तो किया लेकिन क्रेन की सहायता से अभी इसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। जिस होंडा अमेज के साथ एक के टक्कर हुई है उसका साइड पोर्शन पूरी तरह से डैमेज हुआ और उसके ही चपेट में ये गाड़ी भी आई है जो आप ऑल्टो देख रहे हैं। एक स्विफ्ट डिज़ायर है वो भी इसकी चपेट में आई है और अभी फ़िलहाल इसको टो करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। बिल्कुल कंजवानी के पास ये हादसा हुआ है। और ये गाड़ी है, मैं आपको लास्टली ये दिखा दूँ, ये गाड़ी है। इससे यही बताया जा रहा है कि काफ़ी स्पीड में थी, इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और इतनी ज़ोरदार इसकी भिड़ंत हुई है कि इसके जो एयर बैग्स हैं वो दोनों खुल गए हैं। साइड पोर्शन और फ्रंट इसका देखिए पूरा ये डैमेज हो गया, यहाँ से एक तरफ से भी पूरी डैमेज हो गई है। और जिस तरह से इसने हिट किया है, एक स्कॉर्पियो खड़ी खड़ी जो पलट गई, उसके अलावा एक ऑल्टो कार और स्विफ्ट डिज़ायर जो है इनकी चपेट में आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे कि ये म्यूनसिपल लिमिट से ही निकलता हुआ हाईवे है तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको साइड पे जो है लाइट्स नहीं दिखेंगी, जो रोड लाइट्स कहा जाता है, स्ट्रीट लाइट्स कहा जाता है। हालांकि कई जगह पोल्स खड़े कर दिए हैं लेकिन उसमें अभी तक लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, और रोशनी हो तो यकीनन थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात, जो मेन सड़क है और आगे भी आपको कई सारी गाड़ियां यहां पर दिख रही होंगी जो पार्क हैं, यहां पर पार्क नहीं होनी चाहिए। दो पहिया जो बाइक्स हैं ये भी जो मेन लेन है उस पर पार्क की हुई हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहां पर जो पुलिस विभाग है उनको पूरा मॉनिटर करना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी ना हो, अगर कोई खड़ी होती भी हैं तो उनको फाइन किया जाए क्योंकि ये पार्किंग नहीं है। और जिस तरह से पार्किंग को लेकर ही एक बड़ा विवाद और मसला हमेशा देखने को सामने आता है, ये वही कारण बनता है। और जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे ही वो भी पीछे गाड़ियाँ खड़ी थी जिसको सीधा एक होंडा अमेज तेज़ रफ्तार ग्रेटर क्लास की तरफ से कुंजवानी की तरफ आ रही थी, उसने हिट किया खड़ी गाड़ियों को, जिसमें कि चार गाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे की चपेट में आ गई। इंजरी किसी को भी नहीं है लेकिन फिलहाल काफ़ी देर ट्रैफिक भी बाधित रहा, काफ़ी लोग भीड़ भी इकट्ठा हो गई और लोग यही कह रहे हैं जो चश्मदीद ये बता रहे थे। तो ये साइड में गाड़ियां खड़ी होती हैं, मेन जो हाईवे है, ये एक्सीडेंट का सबक जो है वो बताते हैं आपको यार इधर आओ। वो अभी जैसे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ी मैं आपको बताता हूँ पूरी बात की। जो जम्मू में हमारा एक नया मतलब जम्मू स्मार्ट सिटी से जो टेंडर हुआ है वो सबसे अच्छा लगा हमें। हम लोग यहाँ के खुश हैं उस टेंडर। अच्छा। जम्मू स्मार्ट सिटी जो पार्किंग का एरिया उन्होंने बनाया है, स्लॉट बनाया है, आप गोल मार्केट में जाइए, गोल मार्केट में स्लॉट बने हैं, आप उधर स्लिप कटवाइए, उधर लड़के मौजूद होते हैं, आपकी गाड़ी की सेफ्टी होती है वहाँ पे पूरी, ठीक है। वो एरिया है इधर ना अभी तक, मतलब अभी वो शायद से वो साइड क्या पता यहाँ पे भी आए तो लोगों को आसानी होगी गाड़ियाँ लगाने के लिए। इधर देख सकते हो आप जाम लगा होता है इतना ज्यादा, जैसे कि ये गाड़ियाँ हिट हुई हैं, किन की वजह से हुई है, ये जाम की वजह से, जो गाड़ियाँ गलत पार्किंग, हाँ ये जो गलत पार्किंग की वजह से लोग नहीं मानते यहाँ पे, ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, देख सकते हो आप। ये इन्होंने बड़ी सही बात की कि आपने जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारी पार्किंग एरिया जो है वो चिन्हित किए हैं, वहाँ पे स्मार्ट पार्किंग भी बनाई है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये भी गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये बिल्कुल यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए रोड कितनी तंग हो गई है। ये कुंजवानी का मेन हाईवे है जो कि बाईपास होता हुआ, सिदड़ा होता हुआ नगरोटा आगे श्रीनगर रोड से कनेक्ट करता है, यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज रविवार है और अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे स्टोर्स हैं, ब्रांडेड स्टोर्स हैं, तो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जो सर्विस लेन है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो जो मेन सड़क है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जिस कारण घटना जो है दुर्घटना वो सामने देखने को आती है। और यहाँ पर फिलहाल ऐसी ही घटना देखने को आई जहाँ पर एक तेज़ रफ्तार होंडा अमेज, ये जो आपको सामने दिख रही है विजुअल में आपको दिखा रहा हूँ, इसने हिट किया है चार गाड़ियाँ, एक स्कॉर्पियो, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, ऑल्टो, ये सभी जो हैं वो इस गाड़ी के थ्रू हिट हुई हैं और डैमेज हुई हैं काफ़ी। लोग जो थे बता रहे हैं कि वो खरीदारी कर रहे थे इन गाड़ियों से जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल यही कह रहे हैं कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए थी।
हमने